हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज जो हम सीखने वाले हैं अपने इस लॉग टेबल के सीरीज में, वो ये है कि किसी भी एंगल का टैन या फिर टैंजेंट कैसे निकाला जाए। तो आई होप आपने इसके पहले वाले सारे वीडियोस ठीक से देख लिए होंगे, और अभी जब आप ये वीडियो को देख रहे हैं तो एकदम शांत दिमाग से अगले 10 से 15 मिनट आपको लगेंगे और आप पूरी तरीके से इसमें मास्टरी कर चुके होंगे। लेकिन बिल्कुल भी आप ये जब वीडियो देखेंगे तो आप साथ ही साथ मेरे साथ कैलकुलेट करते जाएं, ताकि आपके पास में सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएं, लॉग टेबल लेके जरूर बैठे। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है उससे शुरू करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आ जाए तो प्लीज इसको लाइक, कमेंट और शेयर करें बगैर बिल्कुल नहीं छोड़े। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। ऐसी बहुत सारी वीडियोस मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग लेके आता हूं। आज जो हम शुरू करने वाले हैं वो है हाउ टू फाइंड टैन ऑफ एनी नंबर यूजिंग लॉग टेबल। अब इसमें दो नोट हम देखेंगे, एकदम ध्यान से समझ के रखिए। मैंने पहले भी आपको अपने वीडियोस में बताया है, हर एक डिग्री 60 मिनट के बराबर होता है। तो ये अपने पास में सबसे पहला वाला रूल रहेगा। उसके बाद में सेकंड रूल, मीन डिफरेंस इज एडेड। अब ये मीन डिफरेंस शब्द क्या चीज है तो उसको हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले, शुरू करने के पहले, मैंने आपको हमेशा की तरह यहाँ पे तीन अलग अलग तरीके से आपको न्यूमेरिकल्स बना के दिए हैं। आप ध्यान से यहाँ पे देखें तो मैंने तीन तीन के सेट में बनाया हुआ है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो न्यूमेरिकल बनाया है ये इजी न्यूमेरिकल्स है, उसके बाद में जो ये मैंने बनाया है ये मीडियम लेवल के न्यूमेरिकल्स है, और उसके बाद में जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है ये जो है सो कॉल्ड स्टूडेंट्स सो कॉल्ड ये टफ न्यूमेरिकल्स है। तो मेरे पास में अभी इसको जो हमने तीन पार्ट में डिवाइड कर लिया है, एकदम आराम से एक एक करके हम शुरू करेंगे। तो पहले हमारा टारगेट रहेगा ये इजी वाला न्यूमेरिकल्स, उसके बाद में हमारा टारगेट रहेगा ये मीडियम वाला न्यूमेरिकल्स, और उसके बाद में जो हमारा सबका टारगेट रहेगा वो रहेगा ये टफ वाला न्यूमेरिकल, जिसमें मैं आपको एक चीज बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट वाला टाइप जो आ जाएगा वो ये आखिर का आ जाएगा। तो ट्रेनिंग शुरू कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहले शुरू करते हैं कि अगर मेरे पास में ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है, जैसे अभी ये देखिए, टैन ऑफ 0 डिग्री, टैन 83, टैन 66, इसी को एक एक करके मैं यहाँ पे शुरू करता हूँ। तो शुरू करने के लिए सबसे पहले हम ले लेते हैं अपना लॉग टेबल। ये आ गया मेरे पास में लॉग टेबल, आपके पास में भी लॉग टेबल होगा, आपके पास में जो बुक है उसके अंदर में एक पेज, तो उसमें आप निकाल लेंगे ये वाला पेज जिसका नाम है नेचुरल टैंजेंट्स, ठीक है। एक एक करके शुरू करते हैं। सो टैन ऑफ 0 डिग्री ये हमारा टारगेट है। अब मान लीजिए टैन ऑफ 0 डिग्री मुझे निकालना है, तो बेसिकली इसको हम ऐसा भी कंसिडर कर सकते हैं कि ये लिखा हुआ है टैन ऑफ 0 डिग्री एंड 0 मिनट, 0 डिग्री एंड 0 मिनट। तो देखिए हमारा टारगेट सबसे पहले यहां पे होने वाला है 0 डिग्री, ये देखिए 0 डिग्री, आपके पास ये डिग्री का पूरा कॉलम है, तो 0 डिग्री पे आप आ जाएं और 0 मिनट पे आ जाएं। ये एक बार आपके पास में 0 डिग्री 0 मिनट आ जाता है तो बस इसको और इसको दोनों को एक दूसरे के साथ मर्ज कर दें, जहां पे भी ये मर्जिंग हो जाए बस उसी नंबर को आप उठा लें यहां से। देखिए ये नंबर आ गया, ध्यान से अगर आप देखें तो नंबर है 0. द आंसर इज 0.0000। अभी ये इतना 0.0 लिखने का जरूरत नहीं है, ये आपको भी पता है टैन ऑफ 0 कितना होता है, 0 स्कूल लेवल का नॉलेज है ये हमारा, ठीक है। आराम से फिर से शुरू करते हैं, ध्यान से देखिए, वापस से एक दूसरा क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूं ताकि अच्छे से हम सब इसमें रेडी हो जाए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास में रहेगा उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या है स्टूडेंट्स, टैन ऑफ 83 डिग्री। तो ये देखिए ये 83 हमारा टारगेट है, ये 83 को ढूंढना, आ जाते हैं इधर, ये देखिए अभी टैन ऑफ 83 ढूंढना है, आ जाए नीचे आ जाए, 83 83 83, ये देखिए ये जो डिग्री वाला आपके पास में कॉलम है ना, ये इसी के अंदर 45 46 47 48, ये जितने भी हैं इसी में आप नीचे आ जाए तो यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा 83। देखिए दिखाई दे रहा है, अब ये 83 डिग्री है, इसके आगे मिनट कुछ भी नहीं लिखा हुआ है स्टूडेंट समझे। तो ये हम अज्यूम करते हैं कि ये जो हमने लिखा है ये है टैन ऑफ 83 डिग्री एंड कितना मिनट, 0 मिनट, आगे कुछ है ही नहीं तो 0 मिनट। तो आ जाइए इधर, हमारे पास में इधर 83 आ गया है, ये हटा देता हूं ये सब चीज, और देखिए ये हमारे पास आ गया 0 मिनट। तो बस 83 डिग्री जहां दिख रहा है वो वाला कॉलम, वो वाला रो पहले ले लें और यहां से ये वाला कॉलम ले लें, तो ये जहां पे भी आपके पास में चीजें दिखाई दे रही है बस ये हो गया आपका पूरा का पूरा सोल्यूशन। ये देखिए ये इधर से ले लीजिए और ये यहां से ले लीजिए, आपके पास में जो कॉमन कटिंग हो रही है वो यहाँ हो रही है, तो आपके पास में इधर जो ये वैल्यू आ जाता है, ये वैल्यू कितना आ जाता है, तो आपके पास में ये वैल्यू आ गया है 8.1443।
एकदम सिंपल, ये नंबर आ गया हमारे पास में, उसके बाद में चलते हैं tan ऑफ 66 निकालते हैं स्टूडेंट्स. tan ऑफ 66 निकालेंगे तो चलिए tan ऑफ 66 अगर हम लोग निकाल लें यहाँ से तो tan ऑफ 66 देखिए कैसे निकाला जाए. फटाक से हम लोग वापस से इस जब पुरानी यादों को रब कर लेते हैं, हमारे पास में यहाँ पे जो नंबर चाहिए उसको हाईलाइट कर लेते हैं. tan ऑफ 66 निकालना है, अभी tan ऑफ 66 निकालना है तो आइए इधर ढूंढते हैं tan ऑफ 66 कहाँ है. देखिए मेरे को दिख गया, ये 66 डिग्री दिख रहा है मुझे. क्या आपको दिख रहा है? बिल्कुल 66 मुझे भी दिखाई दे रहा है, आपको भी दिखाई दे रहा है. तो अब हम क्या करेंगे इसके अंदर में tan ऑफ 66 में, तो ये इसी को हम घुमा के ऐसा भी लिख सकते हैं दैट दिस इज tan ऑफ 66 डिग्री एंड 0 मिनट. तो अगर ये 0 मिनट है हमारे पास में तो इसको हम, ये देखिए ये रहा हमारे पास नंबर, ये आ गया 0 मिनट, ये आ गया 66. बस यहाँ से ये रो को नीचे ले लेंगे और उसी हिसाब से यहाँ से इस कॉलम को इधर खींच लेंगे तो ये जो नंबर हमारे पास में आ गया, बस यही आंसर आ गया हमारे पास में. कितना आंसर है भाई? 2.2460. एकदम क्लियर है? एकदम क्लियर है? आराम से चल रहे हैं आगे? ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आगे और शुरू करते हैं. व्हाट इज tan ऑफ 25 डिग्री एंड 24 मिनट? तो हमारे पास में 25 डिग्री 24 मिनट. देखिए अब ना हम लोग ने ये जो इजी लेवल के क्वेश्चंस थे स्टूडेंट्स, ये इजी लेवल के क्वेश्चंस खत्म कर लिए पूरी तरीके से. ये इजी लेवल वी हैव डन. अब चलते हैं आगे मीडियम लेवल. तो क्वेश्चन है हमारे पास में tan ऑफ 25 डिग्री 24 मिनट्स. तो चलिए आके ढूंढते हैं 25 डिग्री. ये देखिए 25 डिग्री आपको दिखाई दे रहा है, 24 मिनट भी आपको दिखाई दे रहा है. तो बस जैसे आपके पास में ये दोनों क्वेश्चंस आ जाते हैं, ये 25 डिग्री वाले को यहां से आगे ले लें, ये हो गया हमारा रो. उसके बाद में 24 मिनट का कॉलम ले लें, ये आ गया हमारा कॉलम. अब ये देखिए ये आ गया हमारे पास में नंबर. अब ये जो नंबर हमारे पास में आ गया है, बस इसी को उठाना है, इसी से काम चलाना है. तो नंबर देखिए यहाँ पे है 4748, ठीक है, नंबर है 4748. लेकिन स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा, इधर हम अगर आगे चले जाते हैं, ये देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो इधर आपको डेसिमल हर जगह पे दिखाई दे रहा है. ये जो डेसिमल समय दिखाई दे रहा है ये यहाँ पे भी है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे वो डेसिमल है. तो ये नंबर हमारे पास में आ जाएगा 0.04748, ठीक है. चलिए तो ये आ गया हमारे पास में, इधर इस पुरानी यादों को मिटा दिया जाए. अब चलते हैं आगे क्वेश्चन पे. क्वेश्चन है हमारा, तो चलो क्वेश्चन क्या है भाई, 53 डिग्री 48 मिनट ढूंढते हैं फटाफट. 53 डिग्री, सो ये देखिए मुझे मिल गया 53 डिग्री. क्या आपको दिखाई दे रहा है? 53 डिग्री, डन. उसके बाद में 48 मिनट मुझे दिखाई दे रहा है, डन. 53 डिग्री वाले रो को उठा लेते हैं, 48 मिनट वाले रो को, कॉलम को यहाँ पे मार्क कर लेते हैं. देखिए नंबर हमारे पास में आ गया 3663, वेरी गुड. अब देखिए बाय डिफॉल्ट ना यहाँ पे आगे जो नंबर है वो है 1 पॉइंट. एकदम ध्यान से समझिएगा, ये नंबर क्या है आगे? 1 पॉइंट. तो ये भी हमारे पास में नंबर आ जाएगा 3663, लेकिन आगे में यहाँ पे क्या चल रहा है? 1 पॉइंट. तो इधर भी बाय डिफॉल्ट इधर नंबर आ जाएगा ये हमारे पास में इधर 1.3663. तो ये आ जाएगा 1.3663. एकदम क्लियर रखेंगे, एकदम क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं. चलिए ये भी हो गया हमारा, फटाफट से हम लोग सॉल्व करते जा रहे हैं, काफी अच्छी स्पीड पकड़ के रखी है आपने. चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 डिग्री 12 मिनट. तो जो चाहिए उसको पहले मार्क कर लीजिए, हमें चाहिए 14 डिग्री 12 मिनट. अब ये 14 डिग्री 12 मिनट चाहिए तो पहले चलिए ढूंढते हैं इसका 14 डिग्री कहाँ पर है. आइए आइए, देखिए मुझे दिख गया. क्या आपको दिख गया? वेरी गुड. पेज आगे पीछे फटाफट घुमाना है, इसमें हमें बहुत ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए. 14 डिग्री दिख गया है. क्या आपको 12 मिनट दिखा? देखिए मुझे भी दिख गया 12 मिनट, आपको भी दिख गया, मुझे भी दिख गया. ये देखिए ये वाला रो ले लिया मैंने और ये देखिए ये वाला कॉलम ले लिया मैंने. हम दोनों मिलके इसको डार्क कर लेंगे. ये देखिए आ गया नंबर 2530. पहले लिख लें 2530, लिख लिया हमने, ठीक है. अब यहाँ पे आगे देखिए, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट नंबर के आगे हर जगह पे क्या यूज हो रहा है? तो 0 पॉइंट. तो ये भी यहाँ पे डेसिमल है तो आ जाते हैं इधर, हमारे पास ये नंबर आएगा 0.2530. बिल्कुल भी याद रखिए, इधर हर नंबर के आगे इधर बाय डिफॉल्ट डेसिमल आ रहा है, ठीक है. वैसे ही नीचे आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे. देखिए अगर आप इधर बात करते हैं तो इधर खाली 4 डिजिट है, जैसे ये 4 डिजिट है, ये 4 डिजिट है. तो यहाँ से देखिए हर नंबर के आगे इधर 1 पॉइंट 1 पॉइंट 1 पॉइंट ऐसा आ रहा है. वैसे ये देखिए यहाँ पे ये 9 पॉइंट 9 पॉइंट ऐसे 9 पॉइंट आ रहा है. समझ में आ गया? तो ये हो गया हमारे पास में एफ क्वेश्चन.
अब चलते हैं आगे। ये हमने क्या कर लिया मिलकर स्टूडेंट्स, मीडियम वाला सेक्शन पूरी तरीके से अच्छे से हमने इसको सॉल्व कर दिया है। ये देखिए, ये एफ क्वेश्चन भी हमारे पास में हो गया। चलते हैं अब आगे टफ सेक्शन की तरफ। अब टफ सेक्शन हमारा टारगेट है, अब आपका और मेरा कॉम्पिटिशन होगा सॉर्ट ऑफ, ठीक है। चलिए इधर शुरू करते हैं। काफी अच्छा, बढ़िया, बहुत अच्छे स्पीड पे आप चल रहे हैं। आ जाते हैं, ये पुरानी यादें जितनी हैं सब मिटा देते हैं, ये हमें पुरानी चीजें कुछ भी नहीं चाहिए। डन, चलिए शुरू करते हैं अब। तो अब मेरे पास में जो क्वेश्चन आता है, थोड़ा इसको मैं बड़ा करके आपको दिखा दूं। क्वेश्चन है टैन ऑफ 45 डिग्री 38 मिनट। तो जो चाहिए भाई उसको मार्क कर लो। 45 डिग्री चाहिए, आ जाओ ढूंढ लेते हैं। मुझे तो दिख गया, क्या आपको दिखा? ये देखिए 45 डिग्री मुझे दिख चुका है। तो ये आ गया 45 डिग्री। अब मेरे पास में यहाँ पे जो नंबर आता है वो आ जाता है 38 मिनट। क्या आपको दिखाई दिया 38 मिनट? नहीं सर, 38 मिनट तो दिख नहीं रहा है। कोई बात नहीं, इसलिए तो टफ क्वेश्चन है। 38 मिनट नहीं दिख रहा तो क्या हुआ, 36 मिनट तो दिख रहा है ना। तो आपके पास में वैल्यू है 45 डिग्री 38 मिनट। इस 38 मिनट को मैं स्प्लिट कर देता हूँ। 38 मिनट को मैं लिखता हूँ 36 मिनट प्लस 2 मिनट, 36 मिनट प्लस 2 मिनट। तो देखिए मेरे पास में 2 मिनट इधर भी है। अब इस नंबर को बनाते हैं, ये 45 डिग्री के रो को पूरा सेलेक्ट कर ले स्टूडेंट्स, 36 मिनट वाले को भी कर ले और 2 मिनट वाले को भी कर ले। ध्यान से समझिए, आपको करना क्या है, ये 36 मिनट और 2 मिनट को ऐड करके 38 मिनट बनाना है। तो मेरे पास में नंबर क्या क्या आ गया भाई, मेरे पास में एक ये नंबर आ गया और एक ये नंबर आ गया। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नंबर है 00212 और इधर है 12। मीन डिफरेंस को आपको ऐड करना है। अगर आपको ध्यान रहे तो मैंने आपको आज शुरू में ही बताया था कि हमारा सेकेंड नोट क्या है, मीन डिफरेंस इज एडेड। ये मीन डिफरेंस मतलब क्या हो गया, देखिए यही है जो मैं जिसकी आपसे बात कर रहा हूँ, यही है हमारे पास मीन डिफरेंस। ये देखिए ये टर्म, ये सब मीन डिफरेंस है, 1 2 3 4 5। तो आपके पास इस नंबर के साथ इस नंबर को ऐड करना है। तो ये नंबर हो जाएगा 4 2 2 0। ये तो नंबर हुआ, लेकिन इस नंबर के आगे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या लगा हुआ है, 1 पॉइंट। तो इधर भी ये जो है ना, ये आ जाएगा 1 पॉइंट। तो ये नंबर हो जाएगा 1 पॉइंट। आराम से समझिए, आराम से एकदम समझिए। पहला नंबर हमारे पास में क्या है, देखिए 0212, और दूसरा नंबर क्या है हमारे पास में 12। दोनों को हमने जोड़ दिया, लेकिन जोड़ने के बाद जो नंबर बना उसके आगे क्या है, तो आगे हमारे पास में क्या है, तो यहाँ से देखा हमने 1 है, तो नंबर हो गया 1.0224। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ रहा है। अब पूरा पूरा समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन है टैन ऑफ 17 डिग्री 26 मिनट। तो चलिए टैन ऑफ 17 डिग्री 26 मिनट अगर हमें चाहिए, तो ये पुरानी यादें सब मिटा दें फटाफट, ये हमको नहीं चाहिए। आ जाते हैं इधर 17 डिग्री, क्या आपको दिखाई दिया 17 डिग्री? जी हाँ, मुझे भी दिखाई दिया, आपको भी दिखाई दिया, वेरी गुड, पैनी नजर है आपकी बड़ी। ये आ गया हमारा रो 26 मिनट स्टूडेंट्स, 26 मिनट्स, 26 सर, 24 दिख रहा है, 26 नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, 26 मिनट बनाते कैसे हैं, 24 मिल गया तो प्लस 2 तो ऐड कर देना है ना, और क्या, तो 2 और ऐड कर दीजिए। तो आपके पास में यहाँ पे 2 रो, 2 कॉलम आ जाएगा, एक ये कॉलम आ गया स्टूडेंट्स, एक ये कॉलम आ गया स्टूडेंट्स। अब क्या करना है, हमने इस नंबर को सेलेक्ट करें और इस नंबर को सेलेक्ट करें। देखिए नंबर क्या है, नंबर है हमारे पास 3134, नंबर है हमारे पास 3134, और उसके बाद में हम उसमें क्या ऐड करने वाले हैं, 6 और ऐड करने वाले हैं। इधर आएगा 01413, ये हो गया हमारे पास 3140। अब ये जो नंबर हमारे पास में हो गया, इसमें हमको क्या करना है, इधर देखिए, क्या ये नंबर 3134 है? नहीं सर, इसके आगे यहाँ पे क्या है, इधर डेसिमल भी है, तो इधर आ जाएगा डेसिमल। ये आंसर मेरे पास में था 0.3134, उसमें मैंने 6 ऐड कर दिया, तो 0.3140 आंसर मेरे पास में आ गया, 0.3140 ये आंसर मेरे पास में आ गया था 1.0224, और वैसे यहाँ पे जो मेरे पास आंसर आ गया 0.3140। चलिए आगे चलते हैं। अब मेरे पास में जो आएगा सबसे 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 ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन। अब स्टूडेंट्स हमारे पास में जो क्वेश्चन आया हुआ है वो देखिए क्या आया हुआ है। क्वेश्चन आया हुआ है हमारे पास में, व्हाट इज टैन ऑफ 90 डिग्री। अब ये टैन ऑफ 90, इसको भाई हमको सॉल्व करना है, तो ये थोड़े हेडेक वाली काम है। ध्यान से देखते हैं टैन ऑफ 90, चलिए शुरू करते हैं। डिग्री में सबसे बड़ी डिग्री, ये देखिए डिग्री है, ये जो डिग्री है हमारे पास
इसमें सबसे बड़ी डिग्री हमारे पास 89 की है, 90 तो है ही नहीं, तो इसी क्वेश्चन को हम घुमा देते हैं, इसको हम लिखते हैं दिस इज इक्वल टू टैन ऑफ 89 डिग्री एंड 60 मिनट। कोई बात नहीं, पता है हमें। चलिए तो 89 डिग्री तो घुमा लिया, ले लेते हैं इसको आगे, ये देखिए नंबर आ गया इधर आगे। अब यहाँ पे हमारे पास में आ जाता है ट्विस्ट। ट्विस्ट ऐसा आ जाता है कि हमारे पास में जो 89 डिग्री आ गया है उसके बाद में जो 60 मिनट है, अब 60 मिनट ढूंढने के लिए हमारे पास में इधर तो 54 मिनट है और बड़े से बड़ा 5 मिनट है, तो 54 मिनट और 5 मिनट को अगर हम ऐड कर दें तो भी वो 59 मिनट ही होता है। तो ये एक तरह से अंदाजे का आंसर आ गया, अंदाजे से हमें ये आंसर आया है। तो चलिए ठीक है ना, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 89 डिग्री 59 मिनट्स तो है एटलीस्ट हमारे पास। तो चलिए इसको शुरू करते हैं, यहाँ पे 89 डिग्री 59 मिनट्स को निकालते हैं। तो चलिए यहाँ से आ गया, इस पूरे के पूरे कॉलम को नीचे ले लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास में नंबर क्या आ गया है, ये नंबर आ गया है 573। और स्टूडेंट्स अब आ गया प्रॉब्लम, अब सर ये तो नीचे जा ही नहीं रहा है, जा रहा है, अब सर इसका क्या किया जाए, सोचिए जरा, यहाँ तो कुछ नंबर ही नहीं दिख रहा है। तो मैं आपको एक हिंट देता हूँ, देखिए हिंट ऐसा है कि टैन ऑफ 90 डिग्री को क्या आप साइन और कॉस में ऐसा लिखते हैं, साइन 90 अपॉन कॉस ऑफ 90, सोचिए है ना। अब आप मुझे बताएं कॉस ऑफ 90 होता कितना है, कॉस ऑफ 90, सर आइए इधर, आपके पास में कॉस मैंने सिखाया हुआ है ऑलरेडी, किधर गया, ये देखिए कॉस ऑफ 90 अगर आप लेने जाते हैं, जो मैंने पिछले टेबल में भी आप लोगों को सिखाया था, दैट इज अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू है दैट इज जीरो का, कॉस 90 जीरो, नॉट अप्रोक्सीमेटली। और ये साइन 90 कितना हो जाता है, तो सर साइन 90 जो मैंने आपको सिखाया था, तो आइए इधर साइन 90 की बात करते हैं, साइन 90 इज अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू, जब आप सॉल्व करें इसको और इसको मिला के तो आंसर आ जाएगा 1। तो मुझे बताएं ये 1 अपॉन 0 होता क्या है, तो ये होता है इन्फिनिटी, बराबर है। अब देखिए टेंजेंट को देखते हैं, अभी यहाँ पे नंबर देखिए कितने बड़े तरीके से बढ़ रहा है, 57.29, 53.66, ऐसे करते करते ये 573 आया, और उसके बाद मीन डिफरेंस नो लॉन्गर सफिशिएंटली एक्यूरेट, ये ना ऐसे बहुत 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 ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब इधर का ये नंबर मीन डिफरेंस का है ही नहीं हमारे पास, ध्यान से देखिए मीन डिफरेंस कितना तेज़ी से यहाँ पे बढ़ना चालू हो गया है, तो वैसे ये नंबर है ही नहीं हमारे पास। तो जब आप ये 573 पॉइंट समथिंग जीरो ही है, उसके साथ में अगर आप किसी चीज़ को ऐड कर रहे हैं ना, तो अंदाजे से ये जो आंसर है ये आ जाता है इन्फिनिटी। तो टेन ऑफ 90 कितना हो गया, दिस इज इन्फिनिटी। अब कोई ये ना सोचे सर आपको कैसे पता ये इन्फिनिटी तक जाएगा, भाई ये एक प्रॉपर्टी है कि टेन ऑफ 90 जीरो होता है, कि इन्फिनिटी होता है, कि वन होता है, आपने सबने पढ़ा है टेन ऑफ 90 इन्फिनिटी होता है, लेकिन यहाँ पे वो निकाल नहीं पा रहे हम, क्योंकि यहाँ पे लॉक टेबल वहां तक की एक्यूरेसी नहीं रख पा रहा है। तो टेन ऑफ 90 वगैरह यहाँ से नहीं आएगा, टेन ऑफ 90 आपको सीधे याद करना होगा। और इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, ये इधर से लेके आपकी जो एक्यूरेसी है, ये नीचे वाला नंबर से ना जितना वाला, जहाँ पे मीन डिफरेंस नहीं दिया गया, मतलब टेक्निकली 77 के बाद में लॉक टेबल की एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। तो इतने बड़े क्वेश्चंस आपके पास कभी आते नहीं है, और हाँ अगर इंजीनियरिंग वगैरह में आए तो आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है। तो फिलहाल के लिए हमने इसको कट इट शॉर्ट, टैन ऑफ 90 होता कितना है तो सर हम फाइंड ही नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं फाइंड कर पा रहे राजा, क्योंकि हमारे पास में यहाँ पे है, ये देखिए इधर आता है ये टर्म जो है, ये आता है 573। तो 573 में क्या ऐड करें हमको मालूम ही नहीं है, बट हमको पता है टैन ऑफ 90 होता है इन्फिनिटी, इसीलिए हमने अंदाजे से इसको इन्फिनिटी डायरेक्टली डाला, लॉक टेबल से नहीं डाला। तो चलिए इसी के साथ मैंने आपको ऑलमोस्ट सारे लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करा दिया है। ये जो टफ लेवल था, ये टफ लेवल आपको समझ में आ गया है, क्योंकि यहाँ पे बच्चा गड़बड़ करता है, सब टैन निकाल लेता है लेकिन टैन ऑफ 90 तक वो जा ही नहीं पाता, क्योंकि यहाँ पे वो फैसिलिटी नहीं है हमारे पास। तो टैन ऑफ 77 के बाद में अप्रोक्सीमेशन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो फिलहाल के लिए इतने बड़े एंगल्स हमारे पास में आएंगे नहीं, और अगर आते भी हैं तो हमारे पास में एक्यूरेसी वगैरह थोड़ी 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 करके कम होना शुरू हो जाती है। तो बस इसी के साथ में मैं आपसे अब विदा लेता हूँ। आई होप आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा, खूब सारा आप इसके अंदर में सॉल्व करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो गाइज, आप जितना ज़्यादा लॉक टेबल को सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आप एक्यूरेसी पे जाएंगे। लेकिन हाँ एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, जो आप देख रहे हैं वीडियो को कुछ भी करके लाइक कमेंट
और शेयर करना बिल्कुल 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 भी ना भूलें। और हाँ, अगर आपको लगता है कि आपका कोई फ्रेंड या कोई आपके घर में कोई पढ़ाई करने वाला 11th स्टैंडर्ड में 12th स्टैंडर्ड में लॉक टेबल भूल चुका है तो, और आप नए हैं चैनल पे, तो इसको प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। इसी के साथ पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, आगे बहुत सारे ढेर सारे वीडियोज़ के साथ हम वापस मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।